हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अंगूठी एक रहस्य स्टोरी का लास्ट एपिसोड लेकर। ये स्टोरी लिखी है रिहाना प्रवीण जी ने। अब तक इसे 3 भाग मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुने हैं तो कृपया पहले उन्हें सुन लीजिए, क्योंकि बिना उन्हें सुने आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि आपको असली मजा स्टोरी का उन्हीं के साथ आएगा। वेल, स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने पार्ट 3 में एंड करी थी। इधर देवश्याम देविका को भागता हुआ देख उसके पीछे भागता है। वो देविका को आवाज लगाकर रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन देविका बिल्कुल नहीं रुकती और आगे भागती रहती है। देविका ने देवश्याम से बचने के लिए जंगल की तरफ रुख किया और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छिप गई। देवश्याम गुस्से से पागल हो रहा था और बुरी तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी तांत्रिक क्रिया का समय निकल रहा था। देविका अपने आसपास देखती है कि देवश्याम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो उठकर घेरे की तरफ भागती है। तब उसके हाथ से रुद्र प्रताप की अंगूठी नीचे गिर जाती है। वो अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में पहन लेती है और उस अंगूठी को निहारने लगती है। जब वो उस अंगूठी को हाथ से साफ करके अपनी उंगली को इधर उधर घुमाती है तो उसे उस अंगूठी में कुछ अक्स दिखाई पड़ता है। वो किसी और का नहीं बल्कि देविका का ही अक्स था। वो देखकर देविका अचंभित हो जाती है कि रुद्र प्रताप उसे इतना पसंद करते थे कि उसके चेहरे की अंगूठी अपने हाथ में पहनते थे। देविका को अपने कानों में किसी के पास आने की आहट सुनाई देती है और वो वहां से तुरंत भाग जाती है। आधी रात हो चुकी थी। देवश्याम को बस देविका की बलि देनी थी और वो पागलों की तरह उसे आवाज दिए जा रहा था। कुछ और घंटे बीतते हैं और सूरज का निकलना शुरू हो जाता है। यदि सूरज निकलने से पहले देविका की बलि नहीं दी जाती तो देवश्याम की सिद्धि अधूरी रह जाती। देवश्याम से बचते बचाते देविका जैसे तैसे तंबुओं की साइड आ जाती है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। उसे एकदम अपनी माँ का ख्याल आता है कि वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी और आखिर ये सब क्या हो रहा था। देविका उस भीड़ में घुस जाती है जहाँ डाकू और सराज के सिपाहियों के बीच झगड़ा हो रहा था। अपनी माँ को वो आवाज देते हुए इधर उधर ढूंढने लगती है। उसे अपना तंबू नजर आता है और वो भाग कर जाती है वहां पर देखने, तो वहां का सारा सामान गायब था। उसकी माँ उसे नजर नहीं आती। वो महल की ओर जाती है तो उस रास्ते में अपनी माँ की लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर देविका बहुत बुरी तरह रोती है। सामने से देवश्याम उसे देख लेता है और भागकर उसकी तरफ आता है। तभी दो घोड़े देविका के पीछे से आकर देविका के ऊपर से ही होकर चले जाते हैं और देविका को खड़ा होने का मौका भी नहीं मिलता। भीड़ उसके ऊपर से होकर गुजरने लगती है। देविका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे देविका अपना दम उसी जगह पर तोड़ देती है। जब तक देवश्याम उसके पास आता तब तक वो मर चुकी थी। इधर जब रश्मि की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों तरफ कमल, कमल की माँ और रश्मि की माँ बैठे हैं। रश्मि बेटा, तुझे होश आ गया? रश्मि की माँ ने कहा। क्या हुआ मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, रश्मि बोली। तभी कंचन कमरे में आती है और रश्मि को बैठा हुआ देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। हम तो डर ही गए थे यार, क्या हुआ था तुझे? बेहोश कैसे हो गई थी? बेहोश थी मैं? लेकिन हाँ रश्मि, तुझे पूरे 3 दिन बाद होश आया है। रश्मि हैरान हो जाती है कि उसे उसका पिछला जन्म पिछले 3 दिन से दिख रहा था। पिछले जन्म में हुए धोखे को सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और अब वो वंश को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। कंचन, वंश कहाँ है? रश्मि कंचन से पूछती है। वो तो कल सुबह किसी काम से बरेली चला गया। रश्मि के उठते ही वंश के बारे में पूछे जाने पर सभी रश्मि को हैरानी से देखते हैं। कंचन सभी से कहती है कि रश्मि अब ठीक है, थोड़ी देर से रेस्ट करने दो। रश्मि और कंचन को अकेला छोड़कर सभी लोग उस कमरे से चले जाते हैं। सब लोग जाते ही रश्मि कंचन से फोन मांगती है और सुरन वंश को फोन करती है। क्या हुआ, क्या काम है तुझे वंश से? लेकिन रश्मि कंचन का कोई जवाब नहीं देती और बार बार वंश को फोन मिलाती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये उठा क्यों नहीं रहा है? गुस्से में वो कहती है। अबे हुआ क्या, काम क्या है ये तो बता।
रश्मि उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बात बताती है। जो कुछ भी उसे अपने सपने में दिखा था वो सारी बात बता देती है, और ये भी बताती है कि वो कमल ही था जो उसकी बलि देना चाहता है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्या आलतू फालतू बात कर रही है तू? मैं सही कह रही हूँ, वरना तू खुद सोच, इस जन्म में भी मुझसे विवाह करना इतना ज़रूरी हो गया इसके लिए कि मुझसे बिना शादी करे इसकी मौत हो जाएगी। कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे वंश से बात करनी होगी। लेकिन तेरी शादी का क्या, 4 दिन बाकी है। वो सब मुझे नहीं पता, मैं पहले वंश से बात करूंगी और उसे ये सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करूंगी। तांत्रिक क्रिया से पहले कमल को भी अपना पुनर्जन्म याद आया, और मुझे भी एक बार सपने में देविका और देवश्याम दिखाई दिए थे। तो क्या वंश को भी कभी कुछ याद नहीं आया? बल्कि वंश तो पिछले जन्म का हिस्सा ही था। थोड़ी देर बाद ही वंश का कॉल आता है और रश्मि वंश को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहता है कि वो शादी वाले दिन ही आ पाएगा, उसे कुछ काम है। लेकिन रश्मि के बहुत जिद करने पर वंश अगले दिन आने को बोलता है। शादी के दिन करीब थे, थोड़ी बहुत जो भी तैयारियां होनी थी वो हो रही थी। अगली सुबह 9 बजे तक वंश आ जाता है और कमल वंश को देखकर बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज यार, तू तो 2 दिन बाद आने वाला था। हाँ, लेकिन सोचा मेरे जिगरी यार की शादी है, ऑन द टाइम थोड़ी आऊँगा, पहले ही आऊँगा ना, वंश भी हंसते हुए बोला। ऊपर बालकनी से रश्मि वंश को देखकर खुश हो जाती है और वंश को फ़ोन करके छत पर आने को बोलती है। वंश भी अपना सारा सामान रखकर उससे मिलने आता है। हुआ क्या, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी थी कि अचानक बुलाना पड़ा। बताओ क्या बात है जो फ़ोन पर ही बता सकती थी। सच बताओ, तुम कमल को कब से जानते हो? कॉलेज टाइम से। क्यों? तुम्हारा दोस्त कमल तुमसे सारी बात शेयर करता है ना, उसने अपने पुनर्जन्म की बात भी बताई। लेकिन क्या तुम जानते हो हम दोनों के पिछले जन्म में तुम भी थे? मैं? कैसे? हाँ वंश, तुम कमल से पूछना कि क्या उसे एक बार भी देवश्याम के साथ रुद्र प्रताप नहीं दिखा। कौन रुद्र प्रताप यार, क्लियरली बताओ। रश्मि उसे पिछले 3 दिन की कहानी बताती है, और ये सुनकर वंश भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि कमल तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसे ज़रूर बताता। नहीं यार रश्मि, ऐसा थोड़ी होगा, तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हो, शायद इसलिए तुम्हें ये सब दिख रहा होगा, वंश बोला। यही गलती तुमने पिछले जन्म में भी की थी, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझकर, और अब भी वही कर रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कमल से शादी नहीं करनी तो साफ कह दो, लेकिन हमारी दोस्ती में उंगली क्यों कर रही हो? वंश चिढ़ता हुआ बोला। रश्मि की सब बात बताने पर भी वंश को यकीन नहीं हुआ, तो रश्मि वंश का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने रूम में ले गई और अपने बैग से वो रहस्यमयी अंगूठी निकाल के उसने वंश को पहना दी। ये देखो, ये तुम्हारे पिछले जन्म की अंगूठी है। मैंने तो बताया था कि जब देवश्याम रुद्र प्रताप को मार रहा था उस वक्त ये अंगूठी मेरे हाथ में आई थी, और ये अंगूठी पता नहीं कैसे उस दिन मेरे को मिल गई जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैंने अंगूठी पहनी थी तभी मुझे पिछले जन्म की चीज़ें दिखाई दी थी। वंश की उंगली में मौजूद अंगूठी को रश्मि रगड़ने लगती है, और जैसे ही उसका नग इधर उधर हिलता है उसमें रश्मि की तस्वीर, जो कि पिछले जन्म की देविका है, नजर आने लगती है। वंश पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है कि ये सब क्या है। ये तो तुम हो, मैं नहीं देविका। रश्मि उस अंगूठी के पीछे की सारी कहानी वंश को बताती है कि उसे ये शेरगढ़ के किले में मिली थी। ठीक है रश्मि, एक बार मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि देविका रोहतासगढ़ में गढ़ी देवी के मंदिर के पास मरी थी, तो फिर ये अंगूठी शेरगढ़ के किले में क्या कर रही थी? और मैंने ये अंगूठी पहनी, लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हुआ जैसे तुम्हें सपने आए? आई डोंट नो, लेकिन मुझे इसके पीछे की सच्चाई जाननी है। कैसे? तुम्हें वो कमल के गुरुजी याद है ना, जिन्होंने मेरे साथ तंत्रक्रिया करी थी, जिसमें मुझे सिर्फ देवश्याम और देविका ही नजर आए थे। हम उनसे मिलेंगे, वही हमें सब कुछ बताएंगे। रश्मि और वंश बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर रश्मि की माँ आ जाती है, और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। रश्मि की माँ उसे मार्केट ले जाने के लिए कहती है, लेकिन रश्मि तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर घर रुक जाती है, और उसके बाद वंश से कहती है, तुम गुरुजी का पता तो जानते हो, तुम वहाँ पहुँचो और थोड़ी देर में मैं वहाँ आ जाऊँगी। वंश सब लोगों के जाने से पहले ही फार्म हाउस से निकल जाता है। इधर रश्मि की माँ रश्मि को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो कंचन को रश्मि के पास छोड़ जाती है। सब लोगों के बाहर जाते ही रश्मि अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगती है। कंचन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो रश्मि सब बात उसे बता देती है। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अभी मत जा। लेकिन रश्मि उसकी नहीं सुनती और कंचन से कहती है, अगर मेरे आने से पहले सब आ गए तो तू संभाल लेना। रश्मि वंश से बात करती हुई उस गुरुजी के घर तक पहुंच जाती है। कहने को तो वो गुरु थे, लेकिन उनका घर ऐसा लग रहा था
जैसे किसी बिजनेसमैन का हो। उन दोनों ने उनकी डोरबेल बजाई लेकिन काफी देर तक कोई भी नहीं आया। वंश और रश्मि घर के चारों तरफ देखने लगे कि कहीं कोई दूसरा रास्ता हो तो वो लोग अंदर आ जाएं। तभी वंश की नजर खिड़की के अंदर एक कमरे में पड़ती है। वहां गुरुजी अपना ध्यान कर रहे होते हैं। वंश रश्मि के पास जाकर बताता है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, शायद वो ध्यान में है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो दोनों पास में बनी बेंच पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में गुरुजी दरवाजा खोलते हैं और अंदर ले जाते हैं उन्हें। रश्मि बिना देरी किए उनसे कमल के बारे में पूछती है। रश्मि ने बहुत सारे प्रश्न करे लेकिन गुरुजी के किसी भी उत्तर से उसे संतुष्टि नहीं हुई। रश्मि को उन गुरुजी की बातों से शक तो हो रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन रश्मि कुछ बोली नहीं और उन्हें थैंक्स कहकर वहां से वापस आने लगी। जैसे ही वंश और रश्मि बाहर आए उधर से गुरुजी ने फोन निकालकर कमल को कॉल कर दिया। उन गुरुजी ने वंश और रश्मि के यहाँ तक आने की बात कमल को बताई और गुरुजी की यह बात सुनकर वंश और रश्मि के कान खड़े हो गए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी कंचन का फोन रश्मि के पास आया और कंचन ने रश्मि को जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। वंश और रश्मि दोनों अलग अलग समय पर घर पहुंचते हैं। रश्मि बहुत चिंतित थी कि आगे वो क्या करे। इधर वंश भी जानना चाहता था कि रश्मि जो कह रही है वो सब सच है या फिर नहीं। रश्मि ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर कमल मेरा प्यार नहीं है और जब मुझे सारी बात याद आ गई है तो कमल को भी पता होगा कि उसने पिछले जन्म में मेरे साथ क्या करा था। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था इसलिए उसने कमल से डायरेक्ट बात करने की ठानी। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रश्मि की माँ चाहती थी कि उनके पारंपरिक पंडित जी ही इन दोनों को आशीर्वाद दें और उनका विवाह कराएं। इसी वजह से रश्मि की माँ उन्हें शादी से एक दिन पहले कुदरा बुलाती है। उन पंडित जी का कोई निश्चित स्थान नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। अगली सुबह रश्मि के पारंपरिक पंडित जी कुदरा आ जाते हैं। वंश उन्हें लेने के लिए स्टेशन जाता है। वापस आते हुए पंडित जी की नज़र वंश की दाहिनी कलाई पर पड़ती है। वंश की कलाई में एक काला धागा बंधा था। उस धागे को देखकर वो पंडित जी कहते हैं, ये क्यों बांध रखा है, इसे अभी निकाल फेंको। क्यों, क्या वो पंडित जी, ये मेरे दोस्त की निशानी है, वंश अपने हाथ के धागे को पकड़ते हुए बोलता है। ये निशानी नहीं, एक अशुभ अभिमंत्रित किया हुआ धागा है। अभिमंत्रित, मैं समझा नहीं। वंश उस धागे को खोलकर उन पंडित जी को दे देता है और वो पंडित जी उस धागे पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकते हैं। उसी पल वो धागा राख में बदल जाता है। वंश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये कैसे संभव है। और वंश को अब समझते हुए देर नहीं लगी कि कमल कुछ ना कुछ तो कर रहा है। पंडित जी के फार्म हाउस पहुंचते ही उनकी आवभगत शुरू हो जाती है। रश्मि की माँ कमल को पंडित जी से मिलवाती है। कमल को देखकर पंडित जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और कमल उनको अजीब तरह से घूरने लगता है। पूरा दिन काम में और शादी की तैयारियों में निकल जाता है। पंडित जी रश्मि की माँ को अकेले बुलाकर उनसे कमल के बारे में पूछते हैं। रश्मि की माँ पंडित जी को बताती है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं इसलिए मैंने भी हाँ कर दी, बाकी बच्चों की खुशी के आगे और क्या चाहिए। रात हो गई थी, सभी लोग दिन भर के थके हुए थे। कमल की माँ सबको सोने के लिए बोलती है क्योंकि कल सुबह गंगा नदी पर पूजा के लिए जाना था। सभी लोग चले जाते हैं लेकिन रश्मि और वंश दोनों ही परेशान थे। रश्मि अपने कमरे से निकलकर कमल के कमरे में जाती है। वो उससे डायरेक्ट बात करना चाहती थी। कमल का कमरा ऊपर की तरफ ही था। जब वो ऊपर उसके दरवाजे के पास जाती है तो वहां उसे कुछ खून की बूंदें दिखती हैं। वंश का कमरा नीचे था और वंश को भी नींद नहीं आ रही थी। वो इधर कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। दूसरी ओर कमल के कमरे में पंडित जी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। रश्मि पंडित जी के इस हाल को देखकर घबरा जाती है। कमल के कमरे का एक अलग ही नजारा था। कमल एक नर कंकाल को लेकर कुछ कर रहा था जो कि किसी सितारे की आकृति पर रखा हुआ था। रश्मि को अपने कमरे में आता देख वो एकदम खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ, कमल घबराते हुए बोला। रश्मि ये सब देखकर पीछे की तरफ जाने लगी। वो चीखने ही वाली होती है कि कमल ने आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने पंडित जी को क्यों मारा। रश्मि पंडित जी के पास गई और उन्हें उठाते हुए कमल से बोली, तो और क्या करता, ये पंडित मेरे काम में अड़चन डाल रहा था। रश्मि की नज़र जमीन पर पड़े नरकंकाल, राख और अलग अलग तरह की सामग्री देखकर समझ जाती है वो कि कमल अपनी ही कोई साधना कर रहा है। पंडित जी भी रश्मि को सावधान होने का इशारा कर रहे थे। इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वो सच है, तुम ये तंत्र मंत्र करके
पिछले जन्म में सफल होना चाहते थे और तुमने ये सारी हरकतें अब भी नहीं छोड़ी। क्या कह रही हो तुम? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें क्या लगा तुम जितना चाहोगे बस उतना ही याद आएगा मुझे? मुझे देविका की मौत तक का सारा सच पता है। तुम उसके बारे में कैसे जान सकती हो? तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। और ये तुम कैसा कह सकते हो कि मुझे कुछ नहीं दिखा? भूल गए क्या, देविका का पुनर्जन्म मैं ही हूँ। मुझे उस दिन शेरगढ़ के किले में सिर्फ वही सब दिखा जो तुमने दिखाना चाहा। देविका के साथ आगे क्या हुआ वो तुम मुझे शायद बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं सब जानती हूँ। तुम उसकी बलि देना चाहते थे। रुद्रप्रताप ने अपनी जान देकर देविका को बचाया था। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? कमल लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। इस अंगूठी से। जानते हो अंगूठी किसकी है? तुम्हारे दोस्त रुद्रप्रताप की। मुझे पिछले जन्म में रुद्रप्रताप यानी वंश नहीं बचाया था, और वंश भी तुम्हारी सच्चाई जानता है, और ये अंगूठी भी उसी की है। ओ तो तुम्हें सारी बात याद आ गई है। तब तो तुम ये भी समझती होगी कि मेरा इस जन्म में विवाह करना कितना ज़्यादा जरूरी है। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लेते हुए कमल बोला। तुम्हारा विवाह करना कितना ज़रूरी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जैसे राक्षस को खत्म करना बहुत जरूरी है ये जानती हूँ। रश्मि उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली। कौन खत्म करेगा मुझे? तुम मुझे साधारण मत समझना। मैं अपनी मौत से पहले मरा था सिर्फ अपनी साधना पूरी करने के लिए। अगर तुमने पिछले जन्म में मेरे से विवाह कर लिया होता तो मैंने तुम्हारी बलि दे दी होती, और आज ना तो तुम्हारा पुनर्जन्म होता और ना ही मुझे ये सब करना पड़ता। मतलब ये कि तुम तो उस दिन मर गई थी लेकिन मेरी साधना अधूरी रह गई थी। जब मैं वापस अपने अघोरी गुरु के पास आया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम इस राज्य का सपना छोड़ दो और इससे कुछ बड़ा सोचो। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे सिर पर सिर्फ और सिर्फ रोहतासगढ़ का भूत सवार था, लेकिन जैसे जैसे मुझे शक्तियाँ मिलने लगी तब मैंने सोच लिया कि मैं अब इस दुनिया पर ही राज करूँगा। वो अघोरी कोई ऐसा वैसा अघोरी नहीं था, वो त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त किया हुआ अघोरी था। न जाने कितनी ही बलि देकर उसने अपने जीवन को बढ़ाया था। अघोरी ने मुझे बताया कि आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा जब देविका का पुनर्जन्म होगा। तुम्हें उसी कृष्ण पक्ष की तारीख को उससे विवाह करना होगा जिसे तुम इस जन्म में करने वाले थे, और ऐसा संयोग कई सौ साल बाद आएगा जिसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा, और यही इंतज़ार तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। और देखो मेरे सब्र का फल, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। कमल अब बहुत ही ज़्यादा शैतानी हंसी से हंस रहा था। इसका मतलब ये सब झूठ था, अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ मेरी जान, सब कुछ झूठ था। अगर मैं तुमसे कहता कि मुझे तुम्हारी बलि देनी है तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? और मैं ये भी जानता था कि रुद्रप्रताप का जन्म तुम्हारे जन्म के साथ ही होगा, क्योंकि पिछले जन्म के असली प्रेम साथी तो तुम दोनों ही थे। नीति चाहती थी कि तुम उस समय ना मिलो तो अगले जन्म में मिल लो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने वंश को ढूंढ निकाला और वंश के साथ ही रहा। वंश को अपना पिछला जन्म याद ना आए इसलिए मैंने उसे एक अभिमंत्रित धागा पहनाया अपनी दोस्ती की निशानी कहकर। उसके मन में अपने लिए इतना भरोसा जगा दिया कि वो किसी की बात पर यकीन ही ना करता। ऐसा बोलते हुए कमल जोर जोर से हंसने लगा। कितने नीच इंसान हो तुम, रश्मि ने कमल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। अपने गाल पर थप्पड़ पड़ते ही कमल बौखला गया और रश्मि के बालों को खींचता हुआ कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत कब से आ गई? तुम्हें तो मैं, कमल बस इतना ही कहता है और रश्मि के मुंह को एक कपड़े से बांध देता है। वो जमीन पर पड़ी अपनी तंत्र की सामग्री को उठाकर रश्मि के हाथ को पकड़ते हुए नीचे जाने लगता है। उसी समय उसके हाथ से उसके कमरे में रखी किताब एक के बाद एक गिर जाती है, जिसकी आवाज़ वंश के कानों तक पहुंचती है क्योंकि वो जाग रहा था। वो बाहर आकर देखता है तो उसे ऊपर की ओर कमल का दरवाज़ा खुला हुआ दिखा। वो तुरंत भागकर उसके कमरे में जाता है तो वहाँ पंडित जी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है जिनके सर से खून निकल रहा था। वो दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। पंडित जी के मुँह से बस रश्मि का नाम ही निकल पाता है और वंश को समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वंश भाग कर इधर उधर रश्मि को ढूंढता है, तभी उसकी नज़र बरामदे की खिड़की से बाहर की ओर पड़ती है जहाँ कमल रश्मि को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा रहा है। वंश रश्मि को आवाज़ लगाता है लेकिन कमल वंश को देखकर अनदेखा कर देता है और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। वंश की आवाज़ से सो रहे सभी लोगों की आँख खुल जाती है और सभी बरामदे में आ जाते हैं। वहाँ आकर देखते हैं कि वंश पंडित जी को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतार रहा था, उनके सिर से खून बह रहा था। वंश डॉक्टर को फ़ोन करता है और उन्हें फार्म हाउस पर आने के लिए कहता है। कमल की माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खून साफ करने लगती है।
वश बाहर की ओर जाने ही वाला था कि पंडित जी उसे रोक कर कहते हैं, बेटा अब तुम मत जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत आगे निकल चुका है, तुम्हें उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेकिन वो रश्मि को लेकर जा रहा है, मुझे उसे रोकना ही होगा। अभी रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुका है, तुम्हें उसे रश्मि के घर पर ही रोक लेना चाहिए था, इस वक्त रोका भी नहीं जा सकता। यदि तुम अभी गए तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फार्म हाउस में मौजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पंडित जी और वंश क्या बात कर रहे हैं। रश्मि की माँ रश्मि के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, कमल भी कहीं नहीं दिखता तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वंश सबको बताता है कि कमल ही रश्मि को लेकर गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और पंडित जी की दवाई पट्टी कर चला जाता है और उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है। रश्मि की माँ बहुत घबरा रही थी कि इस वक्त कमल के साथ रश्मि कहाँ गई है और पंडित जी को चोट कैसे लगी। सभी लोग बस वंश का इंतजार कर रहे थे कि कब वो सबको बताए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उस समय सबकी नींद उड़ गई थी। पंडित जी कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और बरामदे में सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखते हैं। वंश पंडित जी से कहता भी है कि आपको आराम करना चाहिए, लेकिन पंडित जी सबके मन की उत्सुकता को समझ रहे थे और वो जानते थे कि सबके मन में क्या प्रश्न है, इसीलिए वो उत्तर देने ही बाहर आए थे। मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए कमज़ोरी है, मेरी फिक्र मत करो, ये वक्त रश्मि को बचाने का है। क्या हुआ मेरी बेटी को, रश्मि के माँ बीच में ही बोली। तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, हमारे पास केवल कल रात तक का वक्त है, अभी रात के 3 बज रहे हैं। वंश तुम्हें अभी जाना होगा जहाँ कमल अपनी तांत्रिक क्रिया को पूरा कर रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो मेरे बेटे के बारे में, कमल के पिताजी पंडित जी को रोकते हुए बोलते हैं। बेटा नहीं, शैतान है वो रश्मि की बलि देने के लिए उसे लेकर गया है। ये बात सुनकर सभी लोग अवाक रह गए कि कमल की तो रश्मि से शादी होने वाली है, फिर वो उसकी बलि क्यों देगा। वंश महा मौजूद सभी लोगों को रश्मि और कमल के पिछले जन्म की बातें बताता है, जिन पर यकीन करना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हालात देखकर कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। रश्मि की माँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पंडित जी उनके पारंपरिक गुरु थे। आंटी जी पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी शैतान से कम नहीं है। अब हमें ये सब बातें ना सोचकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम रश्मि को कैसे बचाएं और वो कहाँ लेकर गया होगा उसे। रात करीब 10 बजे मैं सोने के लिए कमरे में गया, लेकिन मैं बहुत बेचैन था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने ध्यान करने की सोची और जब मैंने ध्यान किया तो मेरे सामने रश्मि का रोता हुआ चेहरा नजर आया। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैं कमल से जाकर मिलना चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान था। कमल नरकंकालों को अपने पास रखे, अपने माथे पर खून का तिलक लगाए तंत्र मंत्र कर रहा था। वो तंत्र कोई शुभ तंत्र नहीं था। मुझे वहाँ देखकर वो एकदम से बौखला गया और मुझसे कहा कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ मैंने देखा कि जो नरकंकाल सबसे मुख्य था, उस नरकंकाल में मुझे लड़का वंश, रश्मि और कमल दिखाई दिए, जिसमें कमल वंश बुरी तरह से लड़ रहे थे। रश्मि की बलि कमल के द्वारा दी जाएगी और रश्मि को सिर्फ ये लड़का वंश ही बचा सकता है। पर कैसे, वंश ने पूछा। पिछले जन्म में जहाँ रश्मि की बलि होने वाली थी वहाँ एक शिलाखंड होगा, उस शिलाखंड के नीचे ही कमल के पिछले जन्म के शरीर की अस्थियाँ होंगी। तुम्हें उन अस्थियों को जलाना होगा ताकि उसका कोई अंश ना बचा रहे, पंडित जी बोले। लेकिन पंडित जी, वंश उस जगह को ढूंढेगा कैसे, क्योंकि वंश को तो अपना पिछला जन्म याद नहीं है, कंचन ने कहा। बेटा, इसका पता तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, कमल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक दुष्ट अघोरी बन चुका है और अब मैं बूढ़ा होने को चला हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों का अंत कर पाऊँ, पंडित जी वंश से कहते हैं। वंश सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसने सोचा कि शायद वो रहस्यमय अंगूठी पहनकर उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अंगूठी पहनकर अपना पिछला जन्म याद करे। वो रश्मि के कमरे में जाकर उस अंगूठी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे मिलती भी नहीं। अंत में उसे याद आता है कि रश्मि ने उसे सारी बात बताई थी और उसमें यह बताया था कि रोहतासगढ़ में गढ़ी देवी के मंदिर के पास शमशान में सारी घटना हुई थी। वंश तुरंत नीचे आकर पंडित जी को बताता है कि वह यह तो जानता है कि जहाँ बलि दी जानी थी वहाँ एक शमशान है, लेकिन आज के समय वो जगह कैसी और कहाँ होगी इसके बारे में नहीं जानता। पंडित जी उसे बताते हैं कि वो जगह चाहे कितनी बदल गई हो, लेकिन एक शिलाखंड आज भी उस मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं होगा। तुम्हें जाकर पहले वो मंदिर ढूंढना होगा, तुम्हें शिलाखंड को उसी स्थान से हटाना होगा।
उससे शिलाखंड के नीचे तुम्हें जो अस्थियां मिलेंगी उन्हें जलाकर इस कहानी का अंत करना होगा। जल्दी जाओ, देर मत करो। वंश ने बिना देरी किए अपनी कार की चाबी ली और जाने लगा। पीछे से कंचन भी उसके साथ आई। पंडित जी ने वंश को अभिमंत्रित किया हुआ धागा दिया ताकि वंश कमल के पारालौकिक प्रकोप से बच सके। यह तुम्हें कमल से लड़ने में और उससे बचने में सहायता करेगा। कमल तुम्हें रोकने के लिए हर कोशिश करेगा क्योंकि पिछले जन्म में तुम्ही ने उसका काम बिगाड़ा था, लेकिन इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाहेगा। वो तुम्हारे सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां लाएगा ताकि वो बिना किसी परेशानी के रश्मि की बलि दे सके। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। याद रखना, तुमने पिछले जन्म में रश्मि की जान बचाई थी और इस जन्म में भी तुम्हें उसका साथ देना होगा। पंडित जी ने वंश को समझाया। वंश पंडित जी से उनका आशीर्वाद लेकर चला जाता है। वंश और कंचन दोनों रोहतास के लिए सुबह 4 बजे ही निकल जाते हैं। वंश पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था ताकि वो वक्त रहते हुए उस मंदिर तक पहुंच सके। रास्ते में कंचन वंश से कहती है, यार ऐसे हालात में मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यह तो पूरी फिल्मी स्टोरी हो रही है। हाँ, इस पर यकीन करना आसान नहीं है। मुझे रश्मि के रवैये से लगता तो था कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन कभी उसने इस बात को माना नहीं। और अब देखो, तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। कैसी बात कर रहे हो तुम, रश्मि और मुझे? वंश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा उसने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता था ऐसा उसकी बिहेवियर से। और तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करते थे, वरना उसकी इतनी फिक्र नहीं करते। कंचन की इस बात पर वंश कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता है। 4 घंटे के सफर के बाद वंश अब रोहतास जिले में था। उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि गढ़ी देवी के मंदिर को कहाँ ढूंढे। उसने एक जगह अपनी गाड़ी रोककर गढ़ी देवी के मंदिर के बारे में पता करा तो एक राह चलते आदमी ने बताया कि यहाँ तो 2-3 छोटे बड़े गढ़ी देवी के मंदिर हैं, आपको कहाँ जाना है? वंश एक बार फिर से कन्फ्यूजन में था। तभी उसे याद आया कि रश्मि ने रोहतासगढ़ किले के पास किसी मंदिर का जिक्र किया था। ये रोहतासगढ़ किला कहाँ है, उसके आसपास कोई मंदिर है? वंश ने उस आदमी से पूछा। अरे वो किला तो बहुत सुनसान जगह पर है और मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। अगर आपको जाना है तो संभल के जाना, जल्दी जाइए, रात होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि जंगल का रास्ता है वो। वो आदमी बोला, ठीक है, आप हमें रास्ता बता दीजिए कि हमें किस तरफ से जाना है। वो आदमी वंश को डायरेक्शन बता देता है। तभी वंश उस आदमी से शमशान घाट के बारे में पता करता है जो गढ़ी देवी के मंदिर के आसपास ही है। शमशान के बारे में पता करने पर उसे निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो आदमी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन फिर भी वंश अपने मन में एक उम्मीद लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। एक और फार्म हाउस पर पंडित जी यज्ञ करते हैं ताकि आने वाले बुरे समय से लड़ा जा सके। वंश और कंचन बिना कहीं रुके चले ही जा रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था। सामने की तरफ एक साइन बोर्ड पर रोहतासगढ़ किला लिखा हुआ था। वो उसी ओर मुड़ गए। वंश की गाड़ी एक सुनसान कच्चे रास्ते से गुजर रही थी जिसके दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ थी। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था जिस वजह से उसे गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही थी। उसी समय कार का टायर पंचर हो गया। कंचन और वंश गाड़ी से उतरकर मदद के लिए इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी आता जाता व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, उस आदमी ने कहा था वो रास्ता सुनसान होगा, कंचन ने कहा। हाँ, लेकिन आप इतनी बड़ी जगह से मंदिर कैसे ढूंढेंगे? वंश और कंचन पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों एक सीधे रास्ते पर ही चल रहे थे। यार वंश, मुझे नहीं लगता इस तरह हम उस शमशान घाट तक पहुंच जाएंगे, ये तो बस एक सीधा रास्ता है जो कि किले तक जाता है, कंचन बोली। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं सीधे सीधे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक रास्ता है। हमें यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति तो दिख ही जाएगा, लेकिन अगर हम अंदर रास्ते पे गए जो कि जंगल में जाता है तो हम पक्का नहीं कह सकते कि कोई दिखेगा भी या फिर नहीं। ये बात भी सही कह रहे हो, जंगल में कोई क्या ही करने जाएगा। उसके इतना कहने की ही देर थी कि सामने से एक औरत लकड़ियों का गट्ठर लिए आ रही थी। उस औरत को देखकर कंचन और वंश की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो जिस थकान से चल रहे थे अब उसी फुर्ती से उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहां जाकर उस औरत से शमशान के बारे में पूछा, तब उसने बताया, यहाँ के शमशान के बारे में सुना तो है, लेकिन बहुत समय से यहाँ कोई भी आता नहीं है क्योंकि ये गांव और शहर दोनों से बहुत दूर है ना। फिर भी उसकी दिशा किस तरफ होगी, आप कुछ जानती तो होंगी ना?
शमशान का तो ठीक से नहीं पता, लेकिन यहाँ पास ही में एक मंदिर है जहाँ अब सिर्फ एक गढ़ी देवी की मूर्ति है। शमशान भी उसके आसपास में ही है इतना सुना है। यहाँ से सीधे जाकर बाई ओर मुड़ जाना, वहाँ आपको एक पगडंडी मिलेगी। उसी रास्ते में मंदिर तक जाने के बीच में आपको 7 बरगद के पेड़ भी दिखेंगे। वहाँ बहुत समय से लोगों ने जाना बंद कर दिया है, इसीलिए वो जगह अब खंडर हो चुकी है। अब शायद वहाँ पर उस मंदिर के कुछ अवशेष ही मिल पाए। शमशान को उसके आसपास ही खोज लीजिएगा, औरत बोली। कंचन और वंश अब आगे बढ़ चले, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। रास्ता धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जंगल की सीमा में प्रवेश करते के साथ ही उन्हें एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगी। हालांकि वो जंगल कोई घना जंगल नहीं था, उन्हें अब तक वो पगडंडी मिल गई थी जो शायद मंदिर की तरफ जा रही थी। वंश और कंचन के दिमाग में बस रश्मि का ही ख्याल था और शमशान का वो शिलाखंड। ये सोच अचानक तब टूटी जब कंचन के बस एक कदम आगे ही एक पेड़ की शाखा उसके सामने गिरी जो कि साइज में काफी बड़ी थी। कंचन की सांस मानो उसके गले में ही अटक कर रह गई हो। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, वंश कंचन से कहता है। मैं ठीक हूँ, अगर एक कदम आगे बढ़ जाता तो हो जाता मेरा राम नाम सत्य, हाथ से कंचन बोली। ध्यान से आगे पीछे देख कर चलो, वंश अब उसके आगे आगे चलने लगता है। वो दोनों थोड़ा आगे ही चले थे, वंश को एकदम एहसास हुआ जैसे ऊपर से कोई उन पर नजर बनाए हुए है। उसने 3-4 बार ऊपर की ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी समय झाड़ियों में से किसी के भागने की आवाज आई। वंश के दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद यहाँ कोई है जो शायद उनकी मदद भी कर सकता है। वो उस आवाज का पीछा करने लगा और देखते ही देखते उसने देखा कि झाड़ियाँ अपने आप इधर उधर कटती हुई जा रही हैं, जैसे कोई उन्हें अपने हाथ से हटा रहा हो, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वंश को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब मात्र एक भ्रम है ताकि वो रश्मि तक पहुंच न सके। वो उस अंधेरे साए का पीछा करते करते बहुत दूर आ गया था। उसने अपने आसपास देखा तो कंचन वहां थी ही नहीं। वो अपने माथे पर हाथ रखता हुआ नीचे बैठ गया और उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कंचन को वहां अकेला कैसे छोड़ दिया। अब वो कंचन को आवाज लगाता हुआ इधर से उधर ढूंढ रहा था। वो टूटी हुई झाड़ियों के रास्ते वापस पगडंडी की ओर चलने लगा और लगातार कंचन को आवाज देने लगा। चलते चलते उसे वो रास्ता मिल गया जहां पर कंचन वंश से अलग हुई थी। वो उस रास्ते पर फिर से सीध में जाने लगा और वंश अब बहुत परेशान था। वो पेड़ के पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया, तभी उसकी नजर जमीन पर बन रही एक परछाई पर पड़ी। और जैसे ही उसने उस परछाई का अक्ष देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो उसकी हैरत की हद ना रही। पेड़ की एक शाखा पर कंचन लटकी हुई थी। उसने कंचन को आवाज लगाई लेकिन कंचन बेहोश थी। वो बड़ी मुश्किल से उस पेड़ पर चढ़ा लेकिन जैसे ही पेड़ पर वो चढ़ा कंचन वहां थी ही नहीं। वंश का दिमाग घूमने लगा था और वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो अब धीरे धीरे रोने लगा था क्योंकि उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। एक तरफ रश्मि की चिंता तो दूसरी तरफ कंचन के गुम हो जाने का डर। अचानक जंगल में अंधेरा छाने लगा जैसे रात अभी ही हो रही हो, लेकिन वंश जानता था कि अभी दोपहर का ही समय है। देखते ही देखते आसपास के सारे छोटे बड़े पेड़ और झाड़ियाँ अपने आप ही बढ़ने लगे। वंश बस एकदम उठ खड़ा हुआ और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चारों तरफ का रास्ता बंद हो चुका है। उसे कहीं कोई पगडंडी नहीं दिख रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ आई। चला जाए यहाँ से, कंचन अब तुझे नहीं मिलेगी। कौन है यहाँ पर, वंश ने एक गुस्से भरी आवाज़ से कहा, लेकिन वंश को इस बार कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। वंश कंचन को आवाज़ लगा रहा था और ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींच कर ज़मीन पर जोर जोर से मार रहा था। उसी समय उसकी नज़र अपने हाथ में पड़े धागे पर गई जिसे पंडित जी ने दिया था। वंश को याद आया कि यह सिर्फ उसका दिमाग भटकाने के लिए एक माया जाली है। अब उसने अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तेज गहरी सांस ली। कंचन मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तू जो कोई भी है सामने आ और मुझसे बात कर, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, वंश ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अब वंश अंधेरे भरे रास्ते में आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था एक के बाद एक पेड़ और झाड़ियाँ अपने आप ही गायब हो रहे थे।
उसे एक नया उत्साह मिल रहा था। थोड़ा आगे चलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी बेहोश कंचन पर पड़ी। एक पल के लिए उसने सोचा कि कहीं फिर से ये उसका भ्रम ना हो। वो कंचन से दो कदम आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना तो वापस जाकर कंचन को उठाने लगा। और जैसे ही उसने कंचन को छुआ तो देखा कि ये तो कोई नरकंकाल था। वंश बहुत जोर से डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते ही वो असली कंचन से टकरा गया। कंचन भी भागते हुए आ रही थी। वंश को इतना भ्रम हो चुका था कि अब वो इस हकीकत की कंचन से भी खौफ खाने लगा और कंचन को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। कंचन पीछे से आवाज लगा रही थी, वंश को मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो। लेकिन वंश उसकी एक नहीं सुन रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। कंचन भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी और वंश को अपने साथ हुई घटनाओं का बयान दे रही थी। जब कंचन ने भी वही सारी बात बताई जो कि वंश के साथ भी हुई थी तो वंश एक मिनट के लिए रुक गया। कंचन वंश के पास आई और हाँफते हुए बोली, मुझे तो लगा था अब मैं जंगल से कहीं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ एक वहम दिखाई दिया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए प्लीज़ साथ में ही रहना, चाहे कोई आदमी दिखाई दे या जानवर या फिर अंधेरा हो जाए। कंचन वंश का हाथ पकड़ते हुए बोली। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। कंचन ने उन बच्चों की तरफ देखा, लेकिन वंश ने कंचन का हाथ झटके से खींचकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वंश अपने मन में भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपनी दिशा की ओर बढ़े जा रहा था। उसे अब बस वो सात पर्वत के पेड़ देखने थे और वो कंचन से भी बार बार यही कह रहा था, तुम सिर्फ रश्मि के बारे में सोचो, हमारे बराबर में कौन है कौन नहीं इस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अब वो दोनों अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपने आसपास होने वाली घटनाओं को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। उनके दिमाग में बस अब रश्मि तक पहुंचना था। उन्हें पहला बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर उन दोनों को राहत मिली। उस बरगद के पेड़ के आसपास चारों तरफ देखा तो उन्हें दूसरा पेड़ दिखाई दिया और वो उस दूसरे पेड़ के पास पहुंचे। इसी प्रकार धीरे धीरे वो सातवें पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें सामने बिल्कुल खाली मैदान दिखाई दिया और पास में ही एक पनघट था जो लगभग सूख चुका था। वो पनघट के पास जाने लगे। वहां कहीं कहीं इकट्ठा हुई झाड़ियां भी थी। जब वो पनघट के पास जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही छोटा सा मंदिर जो कि लगभग खंडहर बन चुका था, जिसकी ना छत थी और दीवारें बिल्कुल टूटी हुई थी, वहां पर एक छोटी सी गढ़ी देवी की मूर्ति दिखाई दी। वंश और कंचन ने जाकर सबसे पहले वहां पर नतमस्तक किया और प्रार्थना की कि देवी उन्हें हर मुसीबत से बचा लें। अब वे उस मैदान में थोड़ा आगे बढ़कर देख रहे थे कि उन्हें कहीं कोई शिलाखंड मिले, लेकिन चारों तरफ धूल मिट्टी कंकड़ और पत्थर ही दिख रहे थे। वो मैदान काफी बड़ा था। कंचन ने फैसला किया कि अब वो दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढेंगे, लेकिन वंश ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मैं जानता हूँ कमल हर कोशिश करेगा हमें नुकसान पहुंचाने की। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इस बार भी रश्मि को बचा लूंगा। तुम बस प्रार्थना करो कि हमें जल्दी से शिलाखंड मिल जाए, इससे पहले कि रात का समय हो। वंश ने एक दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा कहा। सूर्यास्त होने को था। वंश और कंचन चलते चलते थक चुके थे, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास अभी समाप्त नहीं हुआ था। उनकी मानसिक दशा इतनी मजबूत थी कि उनकी गतिशीलता को रुकने ही नहीं दे रही थी। शरीर के थके होने के कारण वंश एक छोटे से पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी नजर उस रहस्यमय अंगूठी के उस नग पर जहां पहुंची जो कि रश्मि ने वंश को दिखाई थी। उसे देखते ही वंश के शरीर में फुर्ती आ गई और उसने उस नग को उठा लिया और कंचन से उस अंगूठी के नग के बारे में बताया। ये वही अंगूठी है जिसे पहनकर रश्मि को सारी बात याद आई थी। हो ना हो वो कहीं आसपास है, हमें अपनी ढूंढने की गति तेज करनी होगी। वंश ने उस नग को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा। हाँ यार, पर प्लीज 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मेरे पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं है, कंचन ने अपने दोनों घुटनों को पकड़ते हुए कहा। वंश भी उसकी हालत को समझता था, इसलिए वो एक बड़े से पत्थर के पीछे टेक लगाकर बैठ गया। उस पत्थर के पास बैठते ही उसे मानो ऐसा लगा कि जैसे वो वहां पहले भी आ चुका है।
उसने अपनी जेब से उस नग को निकाला और देखने लगा। वो उसकी तरफ आकर्षित होता रहा और तभी उसे उस नग में रश्मि बेहोश पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उस नग में देखा कि एक लाल रंग का पौधा है और उस पौधे के नीचे एक सुरंग जैसी जगह है। उस सुरंग में अंधेरा ही अंधेरा था और अचानक से उस अंधेरे को काटते हुए एक रोशनी आती है जिसमें रश्मि जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो पूरा एक बड़ा कमरा था। अचानक से वंश के सामने से सारी चीजें ओझल हो गई। एक पल के लिए उसे लगा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो इस पत्थर के पीछे पहले ही बैठा था और उसने पलट कर देखा तो उसके सामने वही दृश्य था जो दृश्य रश्मि ने उसे बताया था, जिसे रश्मि ने सपने में देखा था कि देवश्याम किसी अघोरी के पास बैठा हुआ तंत्र मंत्र कर रहा है। वंश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बिना देरी किए कंचन का हाथ पकड़कर भागने लगा। क्या हुआ, अचानक से भागने क्यों लगे, कंचन ने पूछा। जल्दी चलो, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। वंश आसपास उस लाल रंग के छोटे पौधे को ढूंढने लगा और उसे वो पौधा एकदम से दिख गया। उसने उस पौधे की तरफ इशारा किया तो कंचन ने अपने कंधे उचकाकर पूछा, क्या हुआ। चलो उस पौधे के पास चलते हैं, वहाँ एक सुरंग है। सुरंग, लेकिन तुम्हें कैसे पता, कंचन ने पूछा। बताता हूँ, पहले चलो तो सही। वंश लाल पौधे के पास पहुंचकर आसपास गड्ढा खोदने लगा, लेकिन वो कंकड़ पत्थर होने की वजह से ज्यादा गड्ढा नहीं खोद पाया था और उसे कोई सुरंग भी नहीं दिख रही थी और अब रात भी हो रही थी। कहाँ है सुरंग, तुम कब से ऐसे ही खोदे जा रहे हो, कंचन ने गुस्से में कहा। यही होनी चाहिए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वंश को सुरंग का रास्ता नहीं मिलता तो वो उस लाल पौधे पर जोर से एक पैर मारता है और पैर मारते ही एक आवाज आती है जिसे सुनकर कंचन और वंश दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। बस फिर क्या था, उस पौधे को जैसे ही हटाया तो देखा कि वो पौधा किसी टीन के ढक्कन के ऊपर लगा हुआ था। उसने उस ढक्कन को हटाया और नीचे देखा तो नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वंश और कंचन बिना देरी किए उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे उन्हें अंधेरा दिखाई दे रहा था। वंश, यहाँ कितना अंधेरा है, आगे कैसे बढ़े। डोंट वरी, ये रास्ता हमें रश्मि तक लेकर जाएगा, वंश ने कहा। उस सुरंग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वंश और कंचन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़े जा रहे थे। चलते चलते उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं से पानी लीक हो रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे के ऊपर की ओर एक छोटा पतनाला है जिसमें से पानी बहकर नीचे जमीन पर गिर रहा है और फिर वहां से पानी अंदर जमीन की तरफ जा रहा है। कमरे में थोड़ा और आगे बढ़े तो पता नहीं कहां से एक प्राकृतिक प्रकाश उस कमरे में आ रहा था। ना तो आसमान का प्रकाश था और ना ही किसी दीपक या फिर बल्ब का। अद्भुत नजारा था। दीवार के चारों ओर अजीब नृत्य करती हुई सी आकृतियां बन रही थी। चारों तरफ देखने के बाद उनकी नजर पड़ी रश्मि पर। रश्मि के हाथ पैर और मुंह कपड़े से बंधे हुए थे और सिर के आसपास चोट के निशान थे। रश्मि को देखते ही वंश भागता हुआ उसके पास गया और वंश की आंखों में आंसू आ गए। आंख खोलो रश्मि, उठो, क्या हुआ तुम्हें, रश्मि के गाल थपथपाते हुए उसने कहा। रश्मि बेहोश थी। कंचन ने रश्मि के हाथ पैर खोले। वंश वहां बह रहे पानी को हाथ में लिया और रश्मि के मुंह पर छिड़का। रश्मि का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वंश और कंचन उसके हाथ और पैर के तलवे जोर जोर से रगड़ने लगे। धीरे धीरे रश्मि को होश आने लगा और जैसे ही रश्मि ने देखा कि सामने वंश है, वो एकदम से उसके गले लग गई। जल्दी करो यहाँ कमल ना आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ चलते हैं, डोंट वरी, वंश ने रश्मि को उठाते हुए कहा। जैसे ही रश्मि खड़ी हुई वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ तुम्हें, पता नहीं यार, उसने मुझ पर कोई जादू किया है। मैंने भागने की कोशिश की थी पर कमल ने मुझे बहुत मारा था और पता नहीं क्या क्या पढ़कर मुझे खून से नहला दिया, कंचन ने कहा। इंसान नहीं वो हैवान है, रश्मि लंगड़ाते हुए चल रही थी और बोल रही थी। कंचन और वंश रश्मि को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाने लगे। वो सीढ़ियों पर थे तभी उन्हें किसी के सामने की ओर से आने की आवाज आई। मुझे लगता है शायद कमल आ चुका है, कंचन बोली। आने दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कमल बहुत शक्तिशाली है वंश, हम तीनों उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रश्मि ने कहा।
लेकिन हम वापस इस सुरंग में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो भी हमें उसका सामना करना पड़ेगा, वंश ने कहा और पूरे जोश के साथ ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर पहुंचते के साथ ही सामने खड़ा हुआ था कमल। यहां तक पहुंच गया तू, बचेगा नहीं अब, कमल ने गुस्से में बोला और उसके हाथ में एक तलवार भी थी। इस बार अंत तेरा होगा, वंश ने कमल को धक्का दिया और कंचन से वो शिलाखंड ढूंढने को कहा। शिलाखंड के नाम पर कमल जोर जोर से हंसने लगा। कंचन, वंश और रश्मि तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा, मेरा अंत करने आया तू, तुझे सब इतना आसान लगता है क्या? ऐसा कहते हुए कमल हंसने लगा। वंश उसकी बात को अनदेखा करके जगह जगह जमीन से मिट्टी और पत्थर हटाने लगा। वंश को लग रहा था कि वो शिलाखंड भी इसी तरह जमीन में कहीं छुपा हुआ होगा। अंधेरी रात थी और थोड़ी बहुत बस तारों की ही रोशनी थी। वंश को शिलाखंड ढूंढते देख कमल ने वंश पर वार करना शुरू कर दिया। दो दोस्त जिनकी लोग मिसाल देते थे आज ऐसे लड़ रहे थे मानो एक दूसरे के जन्मों से खून के प्यासे हों। रश्मि कंचन से कहती है, तुम जाकर वंश को बचाओ, ये कमल बहुत शक्तिशाली है और मैं वो शिलाखंड ढूंढती हूँ। कमल वंश पर एक के बाद एक घूसे मारे जा रहा था। कंचन जमीन से एक पत्थर को उठाकर कमल के सिर पर मारती है। पीछे से पड़े वार से कमल को गुस्सा आ जाता है और कमल कंचन के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि कंचन एक ही झटके में नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वंश इसी मौके का फायदा उठाकर उठ खड़ा होता है और कमल की तलवार को उठाकर पीछे से उसकी गर्दन पर रख देता है और कमल के दोनों हाथों को पीछे करके पकड़ लेता है। कंचन और रश्मि वो शिलाखंड ढूंढते हैं जो उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था। वंश, वो शिलाखंड कहाँ है? हम कब तक ऐसे ढूंढते रहेंगे? मुझे लगता है वो यहाँ पे मिलेगा। हाँ हाँ, तुम लोग पूरी रात भी निकाल लोगे ना, तब भी वो शिलाखंड तुम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, जब तक मेहनत कर रहे हो मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कमल एकदम से वंश से तलवार छीन लेता है। कमल की हरकत इतनी तेज थी कि वंश को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कमल तलवार लेकर वंश की गर्दन पर मारता है लेकिन वंश मात्र एक इंच पीछे हट जाता है जिससे तलवार वंश के कंधे पर लग जाती है और उससे खून रिसने लगता है। वंश के कंधे से खून निकलता देख रश्मि भागते हुए उसकी तरफ आती है लेकिन वो उसे वहीं रोक देता है और कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, उस शिलाखंड को ढूंढो और उसके नीचे इस कमीने की अस्थि आऊंगी, उसे जलाओ। रश्मि भी वैसा ही करती है। रश्मि वैसे तो वर्तमान में लड़ाई लड़ रही थी लेकिन उसके सामने सारी चीजें उसके पिछले जन्म की थी। किस तरह रुद्र प्रताप भी देव श्याम से ऐसे ही लड़ रहा था, उसके सामने सारा मंजर पिछले जन्म का था। तभी उसकी नजर एक काई लगे हुए पत्थर पर पड़ी जो कि वहां पड़े हुए बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग था। उसने मन ही मन सोचा, इस पूरी जगह में केवल एक ही बड़ा पत्थर था जिसके पीछे रुद्र प्रताप और वो छिपे थे। ये बड़ा पत्थर तो यहाँ कभी था ही नहीं, लेकिन आज ये यहाँ पर क्यों है? बाकी की जगह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। वो उस पत्थर के पास जाने लगती है तभी कमल रश्मि को उस पत्थर के पास जाता हुआ देख लेता है और वंश को छोड़कर रश्मि के पीछे भागता है। कमल रश्मि को पीछे से पकड़ने ही वाला था कि कंचन कमल को पीछे से आकर धक्का दे देती है। रश्मि मुड़कर पीछे देखती है तो कमल नीचे जमीन पर पड़ा था। फिर रश्मि एक नज़र कंचन की ओर देखती है और एक नज़र वंश की ओर। रश्मि को समझते हुए देर नहीं लगती कि हो ना हो शिलाखंड इसी जगह पर है। वो तुरंत वंश को आवाज लगाती है, जल्दी आओ, शिलाखंड मिल गया है। रश्मि के मुंह से ये बात सुनकर कमल गुस्से से तिलमिला जाता है। वंश उतने ही तेजी के साथ उसके करीब आता है। कमल खड़ा होकर रश्मि के गाल पर लगातार थप्पड़ मारता रहता है और रश्मि लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। वंश पूरे जोश में था लेकिन रश्मि को इस तरह मार खाता देख वंश का खून खोल जाता है। वो कमल पर पूरी तरह से चढ़ाई कर देता है और उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के बरसा देता है। अब तो कमल भी वंश को रोक नहीं पा रहा था। वंश, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हमसे नहीं खिसक पाएगा, कंचन ने वंश से कहा। रात के अंधेरे को देखते हुए वंश ने यह काम जल्दी से निपटाने की सोची। वंश ने एक पत्थर उठाकर कमल के सिर पर मारा और उस पत्थर को हटाने के लिए चला गया। अब तीनों पूरे जोश के साथ इस पत्थर को हटा रहे थे। पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। कमल भी उठा और वहीं बैठे बैठे एक गड्ढा किया और अपनी तंत्र साधना की शक्ति से उसमें एक अग्निकुंड बना दिया। उधर पत्थर पूरी तरह से हट चुका था। उन्होंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि शिलाखंड वहीं पर था। अब उस शिलाखंड को खिसकाना रह गया था।
कमल गुस्से में रश्मि के पास आया और उसके बाल खींचते हुए उसे अग्निकुंड तक लेकर आ गया। मेरी अस्थियों तक पहुंचने से पहले इस लड़की की बलि दे दूंगा मैं, फिर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रश्मि के बाल घसीटते हुए वो बोला। वंश और कंचन सब देख रहे थे लेकिन उन्होंने रश्मि को नहीं बचाया। वो शिलाखंड को हटाना चाहते थे जो कि बहुत भारी था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द उस शिलाखंड को हटा दें। कमल रश्मि का हाथ पकड़कर उसे वहीं अपने पास बैठा देता है और अपनी साधना करने लगता है। रश्मि बार बार वहां से उठकर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कमल उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और रश्मि वहीं बेहोश हो जाती है। वंश एक पल के लिए रश्मि के पास आना चाहता था लेकिन बस यही सोचकर रुक जाता है कि अगर अस्थियां जला दी तो कमल का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और यदि मैं अभी इसको बचाने के चला भी गया तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा और वंश जीत जाएगा। वंश और कंचन शिलाखंड हिला भी नहीं पा रहे थे, तभी कंचन वंश से कहती है, मुझे ऐसा लगता है इसे हटाने का कोई दूसरा रास्ता है। मतलब दूसरा रास्ता कैसा? ये देखो, इस पर एक आकृति बनी हुई है। तुम्हें याद है जब हम नीचे गए थे तो नीचे भी कई सारी आकृतियां नृत्य करते हुए दिख रही थी। उनमें से एक आकृति उभरी हुई थी। मुझे लगता है अगर हम उस आकृति को उठाकर इस शिलाखंड की आकृति के अंदर रख दें तो शायद ये खुल जाए, कंचन बोली। इसका मतलब हमें वापस सुरंग में जाना होगा, वंश ने कहा। दूसरी ओर कमल सिर्फ अपनी साधना में व्यस्त था। कंचन को सुरंग में जाता देख कमल कंचन के पीछे दो काले साए लगा देता है जिससे कि कंचन डर जाए, और कंचन को डर लगता भी है। कंचन एक जगह पर रुक जाती है। वंश कंचन से कहता है, घबराओ मत, ये सब सिर्फ भ्रम है, तुम जल्दी जाओ। वंश का इस तरह से प्रोत्साहन देना कमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वंश पर पत्थरों की बारिश करने लगता है। जो पत्थर जमीन पर पड़े हुए थे वो अपने आप ही हवा में उड़कर वंश की ओर जाने लगते हैं और वंश के शरीर पर एक के बाद एक बरसने लगते हैं। रश्मि, वंश और कंचन तीनों ही मुसीबत में थे। वंश मन ही मन बस पंडित जी को और भैरव बाबा को याद कर रहा होता है और यही प्रार्थना करता है कि मुझे इस बार भी रश्मि को बचाना ही है और कमल का अंत करना है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी इतनी सकारात्मक सोच हर किसी के बस की बात नहीं थी। उधर कंचन बस यही सोच रही थी कि कैसे भी उसे रश्मि को बचाना है। वो उन सबको अनदेखा करते हुए सुरंग में चली आती है। उसे अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है जो कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो वापस आने की सोचती है लेकिन फिर वो वंश और रश्मि का चेहरा याद करती है और सीधे सुरंग में बने हुए कमरे में जाती है। वहां पर वो आकृति ढूंढने लगती है और जल्दी उसे वो मिल भी जाती है। कंचन भागकर ऊपर आती है और वो देखती है कि वंश पूरी तरह से घायल पड़ा है। कमल अपनी साधना में पूरी तरह से लीन है। कंचन कमल की तलवार से ही उसकी गर्दन पर वार कर देती है और इस बार कमल की साधना भंग हो जाती है। कमल की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और जैसे ही वो कंचन की तरफ मुड़ता है कंचन उसके इस भयानक रूप को देखकर डर जाती है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती है। कमल अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है कंचन एक झटके में हवा में उड़ती हुई दूर चली जाती है। उधर वंश ये नजारा देख रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़े उस नृत्य आकृति पर जाकर रुकती है जो कंचन सुरंग से लाई थी। वो थोड़ी देर बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही कमल अपने स्थान पर वापस आकर साधना करने लगता है वंश जल्दी से उठकर उस नृत्य आकृति को भागता हुआ शिलाखंड पर बनी आकृति में लगा देता है। उसी समय वो शिलाखंड अपने आप हिलने लगता है और देखते ही देखते चकनाचूर हो जाता है। कमल को भी एहसास हो गया था कि शिलाखंड अब टूट चुका है और उसकी साधना पूरी होने में भी कम वक्त रह गया था। यदि उसने अपनी साधना पूरी नहीं करी तो उसका अंत निश्चित है। उसे रश्मि की बलि देनी ही थी। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे अपने खून से भिगोया और रश्मि को उठाकर उसी शिलाखंड तक जाने लगा, वहां जहां उसकी अस्थियां दफन थी, क्योंकि उसे उसकी बलि उसी शिलाखंड के ऊपर देनी थी। कमल ने वहां जाकर देखा कि वंश ने अपनी शर्ट उतारकर उसमें अस्थियां रख ली हैं। कमल ने तलवार वंश की तरफ दूर से ही फेंकी लेकिन वंश बच निकला और बिना रुके शर्ट सहित वे सारी अस्थियां अग्निकुंड में डाल दी। वंश ने यह सब इतनी जल्दी में किया कि कमल को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि रश्मि की बलि दे या फिर वंश से अस्थियां छीने। अग्निकुंड में जाते ही सारी अस्थियां स्वाहा हो गई और ऊंची ऊंची लपटे उठने लगी। उधर कमल अपने आप ही जलने लगा और धीरे धीरे उसका सारा शरीर गायब होने लगा।
उधर जमीन पर पड़ी रश्मि की आंख खुलती है और वो देखती है कि सामने कंचन लड़खड़ाती हुई उसके करीब आ रही थी। इस बार रश्मि को आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे ट्रेड में सुनाई दी थी, और एक धुंधली सी औरत उसके सामने खड़ी थी जो कि देविका की माँ थी। वो समझ चुकी थी कि वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही थी जो उसे इन सब घटनाओं से आगाह कर रही थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। रश्मि कंचन की तरफ जाने के लिए उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर से बेहोश हो जाती है। जब रश्मि की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अस्पताल के वार्ड में है, और वो घबरा जाती है और उठने की कोशिश करने लगती है। तभी वंश वहाँ पर आ जाता है। लेटे रहो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, वंश रश्मि के पास आते हुए बोलता है। रश्मि वंश से पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब बाहर हैं, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। रश्मि को ठीक देखकर रश्मि की माँ में जान आ जाती है और कंचन भी बहुत खुश होती है। रश्मि वंश की ओर प्यार भरी नजरों से देख रही थी कि तभी कंचन रश्मि को छेड़ते हुए बोलती है, अभी तो रहने दे, उम्र भर तो उसे ही देखना है। ये बात सुनते के साथ ही रश्मि अपनी माँ की ओर देखती है। रश्मि की माँ की आंखों में आंसू थे और वो हाँ में सिर हिला देती है। वंश रश्मि को गले लगा लेता है और कहता है, अब हम अलग नहीं होंगे। तभी कंचन कहती है, लाओ जीजू मेरी सहेली का गिफ्ट दे दो। वंश मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वही रहस्यमय अंगूठी रश्मि को पहना देता है जो कि रुद्र प्रताप की थी। और इसी तरह देविका और रुद्र प्रताप की कहानी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी कहानी अंगूठी एक रहस्य। आज ये कहानी संपन्न होती है। आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये पूरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरी मेहनत के लिए और रिहाना प्रवीण जी की मेहनत के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है। थैंक्स कहूँगा रिहाना प्रवीण जी को भी जिन्होंने अपनी स्टोरी को सुनाने का मौका दिया। आप भी मेरे काम को सपोर्ट करिए ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी ही बहुत दिलचस्प कहानियाँ लेकर आता रहूं। और हाँ, यदि आप भी चाहते हो कि आपके द्वारा लिखी हुई कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, तो नीचे दी हुई इंस्टा आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी स्टोरी बताने में मुझे काफ़ी खुशी होगी। इसी के साथ मैं अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।